गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आइडियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज अपने इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सम बाइक राइड या अगर आप हेलमेट डालने वाले हो तो कैसे, स्पेशली फॉर अ गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर, वो कैसे अपने बालों को कैरी करेंगे सो दैट जो उनके बाल हैं वो डैमेज भी ना हो, ड्राई भी ना हो, हेयरफॉल की प्रॉब्लम भी ना, एंड आप अपने बालों को इजिली सिक्योर कर सको। तो मेरा बहुत फ्रिक्वेंटली रहता है कि मैं बाइक राइड पर जाती हूँ जिसके में हमें हेलमेट डालना पड़ता है, एंड अभी फ्रिक्वेंटली हमने अभी 7-8 डेज हमने बाइक ट्रिप में बिताए जिसमें कॉन्टिन्यूसली हमने ट्रेवल किया, तो ऑब्वियसली हमने हेलमेट डाले, पूरे गियर्स वगैरह डाल के हमने ट्रेवल किया। तो यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा चैलेंज जो आता है गर्ल्स के लिए, मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था स्टार्टिंग में जब मुझे हेलमेट डालना पड़ता था कि इतने लंबे लंबे डिस्टेंस तक आप मॉर्निंग से बैठे हो, आपको पता है कि आपके साथ साथ 8-8 घंटे बाइक में रहने वाले हैं, आप हेलमेट डाल के रखोगे तो कैसे अपने बालों को सिक्योर कर पाओगे, आप उस टाइम पे कैसे अपने बालों को प्रिवेंट कर पाओगे कि वो डैमेज ना हो और ज्यादा टैंगल्स ना बने, ज्यादा नॉट्स ना बने। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो दो हेयर स्टाइल है, जो बहुत ही कॉमन हेयर स्टाइल है जो मैं कैरी करती हूँ स्पेशली जब भी मैं बाइक राइड के लिए प्लान करती हूँ, तो क्यों ना वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। माइंड भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहे, एंड डेफिनेटली वो यूजफुल होंगे भी, बट इसके लिए मुझे चाहिए होगा बस आपका एक सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली अगर आपको मेरे बताए हुए वेज अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सो देट आपको मैं अपनी सारी ऐसी यूजफुल वीडियोज बना बना के अपलोड करती रहूंगी और आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अभी हम बात करते हैं वो दो कॉमन हेयर स्टाइल जो मैं यूजुअली कैरी करती हूँ जब भी मैं बाइक राइड पे मुझे जाना होता है या फिर जब भी मैं हेलमेट वियर मुझे करना होता है। सो नंबर वन हेयर स्टाइल जो मैं बहुत ज्यादा कैरी करती हूँ वो ये कि मैं ना वन साइड ब्रेड बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे अपने हेयर का आपने पार्टीशन कर लिया है, बेसिकली जब मैं अपने हेयर लूज रखती हूँ, जब अपने बालों को खुला रखती हूँ, तो उस टाइम पे ना मैं इस साइड का पार्टीशन करती हूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जिस साइड का मुझे पार्टीशन बाद में कैरी करना है जब आप बाहर घूमने जाओगे, तो अपोजिट मैं कैरी करती हूँ हेलमेट डालने के टाइम पे। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी जैसे मुझे बाद में ऐसे कैरी करना है तो मैं अभी फिलहाल इस तरीके से बाल कैरी करूंगी, सारे बालों को आप एक साइड ले आओगे और आप अपने बालों की एक साइड ब्रेड बना लोगे। तो आपने मेरी वीडियो से भी देखा होगा कि मैंने ये वाला हेयर स्टाइल बहुत बारीक कैरी किया है, मुझे बहुत सही लगता है क्योंकि आप अगर जब ये हेयर स्टाइल कैरी करते हो फिर ऊपर से जब आप स्कार्फ डालते हो फिर हेलमेट डालते हो, तो आप बाद में नोटिस करोगे कि जब आप हेलमेट निकालोगे स्कार्फ निकालोगे तो भी आपके बाल जो है ना बहुत सिक्योर्ड रहेंगे और टेंगल फ्री रहेंगे, नॉट्स ज्यादा नहीं बनेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो लुक है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा हम लोगों में रहता है स्पेशली गर्ल्स में कि कुछ ऐसा हेयर स्टाइल हो जो नो डाउट आपके बालों को तो सिक्योर करे ही, आपके बालों को प्रोटेक्ट तो करे ही, साथ के साथ आपके लुक को भी खराब ना करे। तो मुझे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इसको कैरी करोगे गियर्स के साथ तो आप खुद देखोगे कि बहुत ही अच्छा लगेगा आप ये हेयर स्टाइल, और सेकेंड जो हमारा मेन पॉइंट था बालों को सिक्योर करने का वो भी आप अचीव कर लोगे। एंड दिस इज अ स्कार्फ। इन हेयर स्टाइल नंबर टू आप थोड़ा सा सेंटर पार्टीशन करोगे, इसके बाद अपने बालों को पीछे करके आप बन बना लेंगे। And now again. So this is hairstyle number two, and हमने स्कार्फ पे डाल लिया, उसके बाद आप हेलमेट वेयर कर लोगे एंड देन वी आर गुड टू गो। तो ये थे मेरे दो हेयर स्टाइल जो मैं कैरी करती हूँ जब भी मैं बाइक राइड का प्लान करती हूँ, मुझे हेलमेट वियर करना होता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मैं ये दो हेयर स्टाइल को कैरी करती हूँ। मुझे अपने बाल बहुत ज्यादा सिक्योर्ड लगते हैं और बिल्कुल भी ड्राई डैमेज कंडीशन में नहीं लगते। बस एक चीज जो मैं इसके अलावा करती हूँ वो ये कि जब भी मैं हेलमेट को निकालने की बारी आती है तो मैं उसके टाइम पे मेक श्योर करती हूँ कि अपने बालों को थोड़ा मॉइस्चराइज कर लूँ, थोड़ा सा सीरम आप लगा लो बालों में,
सो देट आपके बाल जो है थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो इसके साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। तो साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांटेड टू गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।